हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों, ग्रामीण इलाकों की अर्थव्यवस्था कृषि पर ही निर्भर करती है। लगभग हर घर से लोग कृषि में मतलब जुड़े हुए होते हैं, कृषि करते हैं, खेती करते हैं। दोस्तों, आजकल हमारे भारत देश में किसान ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, ज्यादा पैसा कमाने के लिए खेती से ज्यादा उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल कीटनाशकों का उपयोग करते हैं, जिसके चलते न केवल उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है बल्कि जमीन भी बंजर होती जा रही है, जल व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, और न केवल जो हमारे जमीन के अंदर जो जल धारण क्षमता होती है वो भी कम होती जा रही है, और इसके कई सारे नुकसान हैं। ऐसे में दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक हांडी के थ्रू, जो मटका होता है उसके थ्रू आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एक जैविक कीटनाशक घर पे किस तरीके से बनाए जो कि 100% कामयाब होगा, 100% यूजफुल है आपकी खेती में। मैं इसके बारे में पढ़ रहा था इंटरनेट पे, तो मुझे अच्छा लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। वैसे हमने एक और ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जैविक कीटनाशक के ऊपर, अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देखना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ये हांडी कीटनाशक बनाने के लिए आपको कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, कौन कौन सी चीजों की जरूरत आपको पड़ेगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको 10 से 15 लीटर का मटका या हांडी की तो इसमें आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको दोस्तों 7 से 8 लीटर की गौमूत्र की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको पत्तियों की भी इसमें जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले नीम की पत्ती 1 किलो चाहिए, उसके बाद करंज की पत्तियां चाहिए, उसके बाद आंग की पत्ती चाहिए, 1-1 किलो पत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। 250 ग्राम जैविक गुड़ की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों आपको दीमक की मिट्टी की भी 250 ग्राम आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद लास्ट में आपको गोबर 1 किलो गोबर की आवश्यकता पड़ेगी। एक चीज आपको बेसन भी 250 ग्राम आपको चाहिए रहेगा। बात हो गई सामग्री की, चलिए अब जानते हैं किस तरीके से आपको इस कीटनाशक को बनाना है। तो सबसे पहले जो आपने अपना मिट्टी का बर्तन लिया है, मटका लिया है, उसमें दोस्तों सबसे पहले तो आप जितना भी गौमूत्र आपकी मात्रा बताई है हमने वो मिला लें, मतलब उसमें डाल लें। जिसके बाद जितनी भी तरह की पत्तियां हैं उन सब के छोटे छोटे टुकड़े करके अभी रख लें, साइड में रख लें, और सबसे पहले जो गौमूत्र था मटके में उसमें अपना बेसन और दीमक की मिट्टी, गोबर, इन तीनों को अच्छे से मिलाकर घोल बना लें। जिसके बाद दोस्तों सारी की सारी पत्तियों को मिला दें और उसको भी थोड़ा मिला दें डंडे से इस मटके में। जिसके बाद मटके को क्या करें, कपड़े से उसका पूरा टॉप बांधकर अच्छे से सील करके रख दें किसी ठंडी जगह में 7 दिन तक। और यहाँ पे ध्यान रखें कि मटके को आप अच्छे से कवर करें ताकि उसकी गैस ना निकल पाए। जिसके बाद दोस्तों आपने ये कर दिया, 7 दिन बाद आप उसको खोलेंगे और उसको अच्छे से कपड़े से छान लेंगे जो भी आपका मिश्रण है उसको, और उसको बोतलों में भर के तैयार कर लेंगे। अब जैसे अपन ने बोतल में भर के रख ली अपने कीटनाशक को, अब फिर से अपन उसको फिर से रीयूज कर सकते हैं, यानी कि छान लिया अपन ने जितने भी पत्ते वत्ते जो भी मिट्टी के अवशेष बचे हैं वो उसको फिर से मटके में, उसी मटके में डाल दो, और डबल से अपन को फिर भी कोई नई चीज़ लेने की जरूरत नहीं है, बस गौमूत्र 7 से 8 लीटर लेकर फिर से मटके में डाल दो और 7-8 दिन बाद फिर से आपको दवाई तैयार मिल जाएगी। और ऐसे करते करते आपको इस प्रोसेस को आप 6 महीने तक कंटिन्यू कर सकते हो सेम पत्तों के साथ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि आपको इस कीटनाशक को उपयोग कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि आपके खेत में अगर आप कोई बीमारी नहीं है, किसी प्रकार का रोग नहीं है, किसी प्रकार की कीट नहीं है, तब भी आपको इस दवाई का छिड़काव करते ही रहना चाहिए दोस्तों, आपकी फसल को सुरक्षित रखने के लिए। दोस्तों काफ़ी फायदेमंद होती है आपके खेत के लिए। और दोस्तों अब बता दूं कि आपको इसे उपयोग कैसे करना है। दोस्तों पहली निंदाई के समय आपको 1 लीटर दवा में 80 लीटर पानी मिलाकर आपको छिड़काव करना है। वहीं दूसरी निंदाई के समय आपको 1 लीटर दवा में 60 लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव करना है। और वहीं तीसरी निंदाई के समय आपको इस 1 लीटर दवा में 40 लीटर पानी मिलाकर अपने खेत की फसलों में छिड़काव करना है। दोस्तों तो इस प्रकार आप दोस्तों इस तरीके से इस कीटनाशक को छिड़काव करके आप अपने खेत में सभी प्रकार के जो रोग है बीमारियों को नष्ट कर सकते हैं। दोस्तों तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ जो हमने आपको कीटनाशक बनाना सिखाया, बनाकर हमने तो नहीं बताया लेकिन जो विधि आपको बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कहां आपको दिक्कत आई, ताकि अगली वीडियो जब भी हम किसी टॉपिक पर बनाएं तो इस वीडियो का हम ध्यान रखें, वो गलती अगली वीडियो में ना दोहराएं। जिसके बाद अगर आपका कोई सुझाव है, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो हमें कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों हम स्वयं हमारे मन से वीडियोज बनाते रहेंगे तो ये हमेशा तक चलता नहीं रहेगा। आप थोड़ा हेल्प करें, वीडियो का आइडिया दें, हम रिसर्च करेंगे, अच्छे से उस पर वीडियो बनाएंगे तो बढ़िया रहेगा, हमें भी थोड़ा आइडियाज़ आते रहेंगे। और दोस्तों जो हमने अभी आपको उपयोग भी बताया किस तरीके से उपयोग करना है वो भी आपको समझ में आया होगा,
तो प्लीज़ अगर समझ में आया है, वीडियो भी अच्छी लगी है और टॉपिक अच्छा लगा हो हमारा, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे ओल्ड सब्सक्राइबर हो तो लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, करो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।